वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और बेहतरीन लेक्चर में हम समझेंगे डेटा फ्रेम में हम डेटा का सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो लेक्चर को पूरा देखना है, कुछ भी पूछना हो आपको तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम जो है वो दो तरीके से डेटा फ्रेम के अंदर से डेटा को एक्सेस करेंगे, और यहाँ पर डेटा को एक्सेस करने का मतलब है कि हम पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। राइट, कोई अगर पर्टिकुलर वैल्यू को आपको बोल दिया जाए कि एक्सेस करिए तो आप कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो लॉक और आई लॉक दोनों का ही यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर डेटा फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, एक हमने ये डेटा फ्रेम बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप डिक्शनरीज का यूज करके। सो ये जो डेटा फ्रेम है इसके अंदर जो इंडेक्सिंग है, ठीक है, वो कैसी है आप देखो, इंटीजर टाइप की नहीं है। कॉलम के लेबल्स देखो और ये जो रोज के जो लेबल्स हैं, ठीक है, वो देखो वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, मतलब कि लेबल्स बोलेंगे, इंटीजर टाइप की इंडेक्सिंग नहीं है। राइट, तो जब आपको इंटीजर टाइप की इंडेक्सिंग हो तब क्या करना है, या फिर जब इंटीजर टाइप की इंडेक्सिंग ना हो तब क्या करना है, दोनों ही सिनेरियोज हो सकते हैं। राइट, सो ये जो अभी हमारा DF1 वाला जो डेटा फ्रेम है इसमें हमारी लेबल्स है, ठीक है, इंटीजर टाइप की इंडेक्सिंग नहीं है, लेबल्स। ओके, सो जब लेबल्स हो उस सिचुएशन में आप आई लॉक का यूज कर सकते हैं और लॉक का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई लॉक का यूज किया हमने DF1 का, सबसे पहले आप आउटपुट देखो, ये रहा आई लॉक का यूज किया हमने, ठीक है, 1 और 1 तो 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक काम करते हैं, मैं यहां पर 2 देता हूं, 7 आ गया, यानी कि 0 1 2 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मतलब वो रो जिसका इंडेक्स सेकेंड है, बेशक दिख नहीं रहा लेकिन इंडेक्स तो सेकेंड ही है ना। राइट, तो आई लॉक का यूज हमने कर लिया यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम तो 7 आ गया। लॉक का यूज अगर हम करेंगे तो हमको जो लेबलिंग है ऑफिशियल वो हमको देनी पड़ेगी, ए वाले रो में से ई वाला, ठीक है, तो मतलब कि 1 देख सकते हो आप, 1 आ गया, क्लियर। तो सबसे पहले है रो एंड इसके बाद है कॉलम। अब इंटीजर इंडेक्सिंग हो, मान लो इस तरीके से 0101 इस तरीके से आ रहा है, सो लॉक का यूज करेंगे, आई लॉक का यूज करेंगे, दोनों ही सिचुएशन में आप इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, मतलब कि फर्स्ट रो का, यानी कि वो रो जिसका इंडेक्स 1 है और वो कॉलम जिसका इंडेक्स 1 है, यानी कि 6, तो दोनों ही केसेस में 6 आ रहा है। यहाँ पर मैं 0 करता हूँ, तो अब मैं कह रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स वाली रो और 0 इंडेक्स वाला कॉलम, तो आप बताओ क्या आएगा, ये या फिर ये 5 आएगा। राइट, क्योंकि कॉलम का इंडेक्स 0 बोला है मैंने। राइट, तो इस तरीके से आप लॉक और आई लॉक का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,